आज हम लाहौर में मौजूद एक वन ऑफ द ऑथेंटिक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। इसकी करंट प्राइसेस और इसकी ओल्ड प्राइसेस के हवाले से कंपैरिजन करेंगे, इसकी लोकेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी वारिद अली टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक न्यू वीडियो, एक न्यू प्रोजेक्ट के हवाले से हाजिर हुआ हूँ। एज़ यू नो, टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट रेजिडेंशियल और डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट प्रोवाइड की जाती है। तो इसी तरह आज हम जो प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ये है मिड सिटी। मिड सिटी की सबसे पहले अगर लोकेशन को डिस्कस करते चले तो ये लेक सिटी के अंदर एक M7 और M8 ब्लॉक है। M7 और M8 सेक्टर के साथ ही ये मिड सिटी लोकेटेड है। मिड सिटी की लोकेशन के हवाले से डिस्कस करें तो ये मेन रेवेंट रोड से आप इसे अप्रोच कर सकते हैं, आप इसे रिंग रोड से अप्रोच कर सकते हैं, ठोकर न्याज बेग से आप इसको जो है वो अप्रोच करना चाह रहे हैं तो हार्डली आप 8 से 10 मिनट की ड्राइव के साथ इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह इसकी सराउंडिंग को डिस्कस करते चलें तो इसकी सराउंडिंग में वलेंशिया टाउन, वाबडा टाउन, शौकत खानम और बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड जैसी फेमस हाउसिंग सोसाइटीज़ और फेमस लोकेशन जो है वो अवेलेबल है और आप इन जगह से जो है वो इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो मिड सिटी के हवाले से डिस्कस करते चले तो मिड सिटी एक न्यू और एक शानदार प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जो कि लेक सिटी के अंदर ही रहते हुए एक अलग और एक सेपरेट आपको हाउसिंग सोसाइटी की लुक दे रहा है। मिड सिटी की डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से डिस्कस करते चले तो ये 2021 में ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इसकी अभी डेवलपमेंट जो है वो हो भी रही है और काफ़ी ज़्यादा शानदार इसकी डेवलपमेंट अभी कंटिन्यू भी है। मिड सिटी के अंदर आपको रेजिडेंशियल ऑप्शन भी मिल जाती हैं, आपको कमर्शियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल शॉप्स और कमर्शियल शोरूम्स भी मिल जाते हैं। कमर्शियल अपार्टमेंट और कमर्शियल शॉप्स के हवाले से डिस्कस करें, इसमें फुली लश ग्रीन कमर्शियल टावर्स बन रहे हैं जिनके रॉक टॉप के ऊपर आपको स्विमिंग पूल और फुली लश ग्रीन इन्वायरमेंट मिलता है। इसके अंदर इसमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, डिफरेंट एमिनिटीज़ हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं, यानी यहाँ पर जो है वो आपको स्टूडियो, 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट की कैटेगरीज भी मिल जाती हैं, जो कि फुली कैश के ऊपर भी अवेलेबल है और इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, ये इसके कमर्शियल्स के हवाले से मैंने आपको डिस्कस किया कि ये टोटली एक कमर्शियल हब भी बनने जा रहे हैं, एज रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल हब भी है और एक फुली आप कह लें कि डिफरेंट मॉड स्कोर हाउसिंग सोसाइटी बनने जा रही है। तो मिड सिटी की ओल्ड प्राइजेस के हवाले से और यहाँ पर कैटेगरीज के हवाले से डिस्कस करते चलें तो इसमें 5 मरला 10 मरला और 1 किनाल की कैटेगरी अवेलेबल है, जिसमें 5 मरला के जो ओल्ड प्राइजेस हैं होम्स के जिसकी बुकिंग जो है वो नियर टू क्लोज है, इसमें 5 मरला आपको 2 ईयर्स की पेमेंट प्लान के साथ टोटल वैल्यू जो है वो 67 लाख है और डाउन पेमेंट जो है इसकी 16 लाख है, यानी 16 लाख डाउन पेमेंट से आप इसमें अपनी बुकिंग जो है वो करा सकते हैं। इसी तरह जो ओल्ड पेमेंट प्लान अभी जिसमें करंटली आप बुकिंग करा सकते हैं, इसमें 10 मरला की जो टोटल प्राइस है वो 1 करोड़ 25 लाख है और इसी तरह जो है आप इसमें 20-25% डाउन पेमेंट के साथ अपनी बुकिंग करा सकते हैं और ये 2 ईयर्स का इजी इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान है। इसके बाद आप कह लें कि जिस तरह इसकी न्यू प्राइजेज आ रही हैं, न्यू प्राइजेज वेरी सून इंप्लीमेंट होने जा रही हैं, तो न्यू प्राइजेज में जो 5 मरला है उसकी हार्डली कोई 2 से 3 लाख प्राइजेस में वेरियंस देखने को आया है, वेरी इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको और इसका जो पेमेंट प्लान जो है वो इसी तरह 2 ईयर्स या 1 ईयर्स का इसका पेमेंट प्लान होगा। यानी आप कह लें कि 5 मरला की जो टोटल प्राइस पहले आपको मिलती थी 67 लाख है और जो न्यू प्राइसेज हैं वो 69 लाख हैं और इसी तरह ये 2 ईयर्स का पेमेंट प्लान होगा। इसी तरह जो 10 मरला की ओल्ड प्राइजेज हैं वो 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 29 लाख हो चुकी है। इसी तरह अगर हम 1 किनाल को डिस्कस करते चले तो 1 किनाल की जो ओल्ड प्राइसेस थी वो 2 करोड़ 30 लाख थी और जिसकी बुकिंग वेरी सून क्लोज होने जा रही है और जो न्यू प्राइसेस हैं वो 2 करोड़ 39 लाख है, यानी आप कहने के इसमें आपको 9 लाख का इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये बस मिड सिटी उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो कि एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी को देख रहे थे कि जिनमें वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर रहते हुए जो कि टोटली LDA प्रूफ भी हो और इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी अवेलेबल हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकें और रेजिडेंशियल पार्टी में से अपना घर भी बनाना चाह रहे होते हैं तो इसमें अपना घर भी बना सकते हैं। मिड सिटी के साथ साथ अगर कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटी को डिस्कस करते चलें जो कि सेम कुछ ही यानी कि 2 साल या 3 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर आई थी, जिसमें आप कह लें कि आपकी उस टाइम जो प्राइजेस थी वो कुछ और थी और करंटली जो प्राइजेस हैं वो आपको कैश के ऊपर कुछ और मिल रही हैं।
अगर मैं डिस्कस करता चलूँ तो इसमें इतिहाद टाउन एक बहुत बड़ी एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो कि इतिहाद टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, जो किसी रीज़न की वजह से नहीं कर सके। इसकी करंट प्राइसेस उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिन लोगों ने इसमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर रहते हुए आज से 2 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि इतिहाद टाउन ने जो आज से 2 साल पहले पेमेंट प्लान इंस्टॉलमेंट के ऊपर दिया था उसमें जो 5 लाख की टोटल प्राइस थी वो कुछ 69 लाख थी, और अभी जो 5 लाख की जो टोटल प्राइस है वो आपको 1 करोड़ और 90 लाख से 1 करोड़ के बिटवीन ओन कैश और लमसम अमाउंट के ऊपर मिलता है। तो व्यूअर्स, इसी तरह देखते चले तो मिड सिटी उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि इंस्टॉलमेंट के साथ LDA अप्रूव एरिया के ऊपर घर बनाना चाह रहे हैं। तो मिड सिटी को अगर डिस्कस करें लेक सिटी के साथ, लेक सिटी भी एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो कि आज से 2 साल 3 साल पहले जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन ग्राउंड चीज़ें कैश के ऊपर या ऑन ग्राउंड चीज़ें इंस्टॉलमेंट के ऊपर ली थी। तो लेक सिटी के अंदर अभी करंटली जो प्राइस है 5 लाख की, आपको 5 लाख का प्लॉट मिनिमम जो है 1 करोड़ 1.5 करोड़ 1.10 लाख से लेके कोई 1.5 करोड़ तक की भी उसकी वैल्यूज़ जा रही हैं। इसी तरह लेक सिटी के अंदर जो 10 मरले की ऑप्शन है, पहले इंस्टॉलमेंट के ऊपर कुछ इसकी और ऑप्शंस थी, इंस्टॉलमेंट के ऊपर इसका जो पेमेंट प्लान था वो कुछ और था, लेकिन अभी जो कैश के ऊपर आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है लेक सिटी के अंदर मिनिमम 1.85 करोड़ 1.90 लाख से लेके 2.5 करोड़ 2.75 करोड़ तक भी यहाँ पर आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि लोकेशन टू लोकेशन, और डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी लोकेशन कौन सी बन रही है, फेसिंग पार्क कॉर्नर और मेन बुलेवर्ड। इसी तरह सबसे बड़ी एग्जांपल रेमंड रोड के ऊपर रहते हुए आपको बैरिया ऑर्चर्ड की देखता चलूँ तो बैरिया ऑर्चर्ड जो कि इसका फेज़ वन सिर्फ अभी टोटली LDA अप्रूव है, फेज़ वन के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट ऑन द स्पॉट ऑन ग्राउंड और फुली कैश के ऊपर 75 लाख से लेके 90 लाख तक का मिल जाते हैं। इसी तरह जो 10 मरला है वो आपको 1.10 करोड़ से लेके 1.40 करोड़ तक का मिलता है LDA अप्रूव एरिया के अंदर। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वो लोग जो कि LDA अप्रूव एरिया के अंदर और वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी को देखना चाह रहे थे या एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी देख रहे हैं कि जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी अवेलेबल हो, जिसकी लैंड भी क्लियर हो, जिसकी लैंड का किसी भी किस्म का कोई अप्रूवल का किसी भी किस्म का NOC का इशू ना हो, और ऐसी वो ऑप्शन देखना चाह रहे थे कि जो कि फाइल्स ना हो और ऑन ग्राउंड प्लॉट अवेलेबल हो और अपने डे फर्स्ट को जो है वो फाइल के साथ उनके प्लॉट का जो नंबर है वो अलॉट हो जाए। तो ये मिड सिटी ऐसी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसी ही बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि ऑन ग्राउंड ऑप्शंस देख रहे थे। मिड सिटी के हवाले से या ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर ओवरसीज क्लाइंट सेम नंबर मेरा ईमो और व्हाट्सएप पर अवेलेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।